भाई मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं आपको बेरोजगारी का, और इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा गुरेश भाई। एक साल और बेरोजगारी ने बवाल मचा दिया। मैं जानता हूं इस पर चर्चा नहीं होती है, होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या दोगुनी हो गई है, दोगुनी। देश में बेरोजगार लोगों के पंजीकरण में, जिसे आप रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें दोगुनी तेजी हुई है। गुरेश भाई को स्क्रीन पे जानते हैं आंकड़ा क्या है। 2020-21 में 28 लाख की तुलना में 2021-22 में यह आंकड़ा पहुंच गया 65 लाख, 65 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या। ये देखिए, जो 28 लाख था आंकड़ा, वो 65 लाख के पार पहुंच गया रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा। ये बेरोजगारी का हाल है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बेरोजगारी इश्यू नहीं है और नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी एक समस्या है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्लोबली एक समस्या है। लेकिन एक बात और भी समझिए, ग्लोबली समस्या मतलब लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, और इसीलिए वो पंजीयन भी करते हैं। ऑनलाइन पंजीयन करने की सुविधा बहुत आसान है, तो वो नंबर डेफिनेटली बढ़ते हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको बता दूं, सरकार ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी है, ये उसी का आंकड़ा है। जो नहीं दिखाते वो क्यों नहीं दिखाते मैं नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है, जो बताया वो दिखाया। तो ये आंकड़े होंगे, लेकिन हमको दूसरा आंकड़ा ये भी देखते होंगे कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि 12% से ज्यादा कहीं पर भी किसी देश में भी बेरोजगारी होती है तो फिर वहां पर सत्ताएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं है। अच्छा, तो आप उस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप उस बात का इंतजार कर रहे हैं। हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब हम आत्मनिर्भर प्रदेश की बात करते हैं। आत्मनिर्भर कितना हो गया, जितना आत्मनिर्भर के आपने लोन दिए थे जानते हैं आप? नहीं, एनपीए हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने बच्चों पर विश्वास करना छोड़ दें और लोन नहीं दे, हम देते। हाँ, तो आगे भी आप उद्योगपतियों को भी देते हैं और माफ भी कर देते हैं। भाई साहब, तुरई गिलकी करेला 20 रुपए किलो चल रहा है, फिर आप देखिए कि लौकी की सब्जी जो है वो भी 20 रुपए किलो है। तो जितनी सीजनल वेजिटेबल्स है वो तो डेफिनेटली कम चल रही है। पेट्रोल के दाम, एलपीजी के दाम, डीजल के दाम नहीं गिनवाएंगे आप, है ना? मैंने आपको सबसे बड़ा जो दाम गिनाया वो है कि महंगाई की दर जो है वो सीपीआई की जो दर है वो 7%। अगर महंगाई की दर अगर काबू में है